नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काली घाटी का महल और नीली चिड़िया। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। श्रीपुर गांव में एक धनी जमींदार रहता था। राम, बलराम और कालू नामक उसके तीन बेटे थे। राम सबसे बड़ा था, बलराम दूसरे नंबर का और कालू तीसरे नंबर का। कालू का रंग एकदम काला था, मेरे जैसा। उसके दोनों बड़े भाई गोरे थे, इसलिए वे अक्सर अपने छोटे भाई से नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। अबे कहाँ मर गया था कालू के बच्चे, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, चीलम ठंडी हो रही है, जल्दी से ताजी करके ला। बड़े भैया, मैं बापू की दवा लेने गया था, बापू को दवा देकर अभी चीलम भर देता हूँ। कालू के उत्तर से बड़ा भाई भड़क उठा। अबे दवा जरूरी है या मेरी चीलम? पहले चीलम भर कर ला। भैया बापू बहुत सख्त बीमार है, मालूम है मेरे को, 2 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा, जल्दी जा, दफा हो जा। जाता हूँ भैया। हाँ जल्दी जा। रोते रोते कालू ने चीलम में आग भरी। हे भगवान, मेरे भाइयों को सद्बुद्धि प्रदान कर। दूसरी ओर बीमार जमींदार अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। हरिया, मेरे बेटों को बुलाओ, जल्दी जल्दी करो। अभी बुलाता हूँ मालिक। थोड़ी देर बाद तीनों बेटे जमींदार के पास इकट्ठे हुए। राम बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम सबसे बड़े हो, सारी जायदाद आपस में बराबर बराबर बांट लेना। कालू अभी छोटा है, उसका उसका ख्याल रखना। हिच बाबूजी। कुछ ही पलों में बूढ़ा जमींदार स्वर्ग सिधार गया। हाय बाबूजी, हमें अकेला छोड़कर चले गए। पिता के अंतिम संस्कार के बाद राम और बलराम ने बूढ़े नौकर हरिया को बैठक खाने में बुलवाया। हरिया, बाबूजी तो स्वर्ग सिधार गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं सोचता हूँ अब तुम्हें भी आराम की ज़रूरत है। आप ठीक कहते हैं बड़े भैया, ये आप क्या कह रहे हैं छोटे सरकार, इस बुढ़ापे में मैं अब कहाँ जाऊँगा? जहन्नुम में जाओ, पर यहाँ से दफा हो जाओ, हमें नौकर की ज़रूरत नहीं है, कालू ही काफ़ी है। हरिया चला गया तो बलराम ने राम से कहा, ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है बड़े भैया, खामाखा ये बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ता। बलराम, तुम काफ़ी समझदार हो, मैं सोचता हूँ क्यों ना हम यहाँ की जायदाद बेचकर शहर चलें, सुना है शहर में बड़ा मज़ा है। राम की बात से बलराम की बाँछें खिल गई। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली भैया, यहाँ गांव में क्या रखा है, खेती बाड़ी मुझसे तो होगी नहीं, लेकिन भैया हम अपने पुरखों का घर बार छोड़कर जाएंगे कहाँ, कहीं भी जाएंगे पर यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे पास इतनी दौलत है कि हम शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सकते हैं, तू अगर नहीं जाना चाहता है तो यहीं रह, जब आप ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगा। राम बलराम ने जल्द ही गांव का पुश्तैनी मकान और जमीन बेचकर नगद पैसा बना लिया और शहर जाने की तैयारी कर ली। मुसीबत के वक्त ये चाकू काम आ सकता है बड़े भैया, रास्ते का मामला है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिले। तू पागल है कालू, सब्जी काटने का ये चाकू भला किस काम आएगा, चल जल्दी कर। गांव से निकलकर तीनों एक भयानक जंगल से होकर गुजरे। भैया रात घिर आई है, आगे घना जंगल है, क्यों ना आज की रात यहीं काट ले। तू मूर्ख है, इस जंगल में कोई डर नहीं है, मैं कई बार रात में इधर से गुजरा हूँ, जंगल पार करके ही पड़ाव करेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, बीच जंगल में पहुँचते ही डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। बांध कर डाल दो सालों को और छीन लो इनसे सारा माल। डाकू नहीं, डाकुओं ने तीनों भाइयों को पेड़ से बांध दिया और गाड़ी हाँक कर ले गए। अब क्या होगा भैया, हम तो कंगाल हो गए, डाकू हमारा सब कुछ लूट कर ले गए, ये सब इसकी वजह से हुआ है, कालू मनहूस है।
थोड़ी देर बाद उन्हें एक चीता अपनी ओर आता दिखाई दिया तो भय के कारण राम बलराम की धिक्कड़ी बंद गई, लेकिन कालू जरा भी भयभीत नहीं हुआ। राम भैया, अब क्या होगा, ये चीता तो हमें खा जाएगा, हे भगवान रक्षा करो। घबराओ मत भैया, मैं कुछ उपाय करता हूँ। कालू ने हाथ मोड़कर किसी तरह चाकू निकाला। अरे ये चाकू तो इससे चीता मारेगा, हमारे तो हाथ पैर बंधे हैं। ओह, आखिर मुसीबत में ये काम आ ही गया। भैया मैं इससे रस्सी काटूंगा। ओह, आखिर मुसीबत में ये काम आ ही गया। भैया बातें मत करो, चीता नज़दीक आ रहा है, पहले इसे रस्सी काटने दो, जल्दी कर भाई। रस्सी कट गई तो तीनों जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गए। हिस हिस कर, सारी रात वे पेड़ पर टंगे रहे। सुबह होते ही चीता चला गया तो उनकी जान में जान आई। भैया इससे तो हम घर पर ही रहते तो ठीक था। चुप कर, ये सब इस मनहूस कालिए की वजह से हुआ है। ठीक है भैया, फिर मैं यहीं रहूँगा, तुम लोग आगे जाओ। ठीक है, हम जाते हैं, इसे भी आने दो भैया, हमारे दो काम ही करेगा। तीनों फिर आगे चल दिए। जंगल से निकलकर वे एक नदी के किनारे काल भैरव मंदिर के पास पहुँचे। आहा भैया, यहाँ तो फल लगे हैं, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बलराम। भैया तुम फल तोड़ो, मैं पानी लाता हूँ। कालू को मंदिर के बरामदे में एक घड़ा सा रखा दिखाई दिया। पानी लाने के लिए इस घड़े के अलावा यहाँ कोई बर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। कालू घड़े को लेकर नदी पर पहुँचा और उसने जैसे ही उसे जल से भरकर उठाया, अरे इसमें तो छेद ही छेद है, पानी कैसे रुकेगा। कालू को परेशान देखकर पास के पेड़ पर बैठी एक नीली चिड़िया ने कहा, ए भोले लड़के, बुद्धि का इस्तेमाल करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। गीली चिकनी मिट्टी से घड़े के छेदों को बंद कर और तब पानी भर। तुम ठीक कहती हो प्यारी चिड़िया, मैं जब प्रदेश से वापस लौटूंगा तब तुम्हारे लिए बहुत सारे दाने लाऊंगा। कालू ने चाकू से चिकनी मिट्टी उखाड़ी और घड़े पर उसका लेप किया। बुद्धि का इस्तेमाल करने से सचमुच बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं, शाबाश। उधर जल्दी जल्दी फलों को खाते हुए दोनों भाई सलाह कर रहे थे, बलराम ये कालू बड़ा मनहूस है, इसकी वजह से ही हमारा इतना नुकसान हुआ है, क्यों ना हम इसे मंदिर में बंद करके आगे निकल जाएं, शहर में हम भला उसे अपने साथ कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। तुम ठीक कहते हो भैया, इसे बंद करना ही ठीक है। कालू पानी लेकर पास आया तो राम ने कुछ सड़े हुए फलों के ढेर की ओर इशारा करके कहा, पानी नीचे रख दे और वे फल पड़े हैं खा ले। अच्छा भैया। कालू ने फलों को अपने दोनों हाथों में उठाया और मंदिर की ओर बढ़ा। अबे इन फलों को लेकर कहाँ जा रहा है, मैं पहले भगवान को भोग लगाऊंगा भैया, फिर बाद में खाऊंगा। ठीक है जा जल्दी कर, बड़ा आया भगवान का भक्त, नाटक करता है ससुरा। भैया इसे मंदिर में बंद करने का ये बड़ा अच्छा मौका है, आओ। कालू ने भगवान काल भैरव के सामने फलों का ढेर लगा दिया। हे भैरव बाबा, ये फल मेरी कमाई के नहीं है, अतः मैं इन्हें नहीं खा सकता और तुम्हें भेंट में भी नहीं दे सकता, इसलिए इन्हें यहीं छोड़े जा रहा हूँ। फल चढ़ाकर मंदिर से बाहर आने के लिए कालू दरवाजे के पास आया तो वह बंद था। अरे ये दरवाज़ा किसने बंद कर दिया, दरवाज़ा खोलो भैया, मुझे यहाँ किसी ने बंद कर दिया है। उधर मंदिर के बाहर अजीब तमाशा हो रहा था। फल खाने से दोनों भाइयों राम और बलराम का गर्दन से नीचे का शरीर गधे का हो गया था। अरे ये क्या हो गया भैया, तुम्हारा तो सारा शरीर गधे का हो गया है, अबे मेरा नहीं तेरा, तू गधा बन गया है। तभी किसी का भयानक अट्ठास वहां गूंजा तो दोनों ने चौंक कर देखा कि सामने की ओर एक भयानक राक्षस अपने कंधे पर किसी आदमी को लादे अपने स्त्री के साथ चला आ रहा है। छोड़ छोड़ दो मुझे। अरे अब ये क्या मुसीबत आई, बड़े भैया अब हम बेमौत मारे गए।
मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ राक्षस राज, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, अपने जानवरों को मारकर तुम्हारे सामने मांस का ढेर लगा दूंगा। तुझे छोड़ दूँ, तुझे बलि चढ़ाकर ही तो मैं अपना यज्ञ पूरा करूंगा, और तेरे रक्त में नहलाकर नीली चिड़िया को फिर से राजकुमारी बनाऊंगा। चुप कर, वरना गर्दन उड़ा दूंगा तेरी। मैं इसका कलेजा खाऊंगी। तभी राक्षसनी की नजर राम बलराम पर पड़ी तो वो और जोर से अट्ठास कर उठी। आदमी गधा, आदमी गधा, अरे ये कौन है, पकड़ो दोनों को। राक्षस की स्त्री तेजी से झपटी और उसने राम बलराम दोनों की गर्दन दबोच ली। आदमी गधा, आदमी गधा, ऐसा कभी देखा ना सुना, आज देवता जरूर खुश होगा, ये हम किस मुसीबत में फंस गए राम भैया। उफ, राक्षस ने आदमी को अपने कंधे पर लादे लादे राम बलराम से पूछा, कौन हो तुम, जरूर तुमने ये फल खाए हैं। जी कालू। ओह, राक्षस चीखा, क्या बकता है, काल भैरव को कालू कहता है, मैं अभी तेरी भेंट देवता को चढ़ाता हूँ। नहीं, वो उधर कालू। बाहर शोर सुनकर मंदिर के भीतर बंद कालू ने दरवाजे की झीरी में से झांक कर देखा तो चौंक पड़ा। अरे बाप रे, ये तो कोई भयानक राक्षस है, पर ये गधे। सहसा उसे एक तरकीब सूझी, मुझे क्षमा करना भैरव बाबा, मुझे कुछ देर के वास्ते नाटक करना होगा। कुछ ही पलों में कालू ने अपना कुर्ता उतार कर रुंड मुंड की माला अपने गले में पहन ली और मूर्ति के पास रखा फरसा उठा लिया। नीली चिड़िया ने कहा था कि बुद्धि से बिगड़े काम भी बन जाते हैं, देखें शायद ये तरकीब काम कर जाए, पर ये गधे कहाँ से आए। राक्षस राज, दरवाजा खोल, वरना एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। धाड़। दरवाजे पर लात पड़ने की आवाज और कालो की क्रोध भरी आवाज सुनकर राक्षस और उसकी स्त्री चौंके, अरे भीतर कौन है। काल। मंदिर के भीतर से आती हुई आवाज से राक्षस और उसकी पत्नी दोनों घबरा गए थे। उधर मत जाओ, लगता है देवता नाराज हो गया है, मैंने पहले ही मना किया था कि इस सोदखोर अमीर को मत ले चलो, ये राजा का आदमी है, तो चुप कर, पहले मुझे देखने दे। भीतर कालू दरवाजे पर कान लगाकर बाहर की बातें सुन रहा था। उनकी बात सुनकर, अच्छा तो ये बात है, देखता हूँ उसे। कालू ने दोबारा दरवाजे पर लात मारी, अबे हरामखोर, दरवाजा खोल जल्दी से, आज मैं इस सूदखोर और इन दोनों गधों से पहले तुझे खाऊंगा। धाड़। कालू की आवाज़ सुनकर राक्षस घबरा कर दो कदम पीछे हट गया। स्वामी, आज यहाँ से वापस चलने में ही भलाई है, लगता है देवता आज बहुत नाराज हैं। ए हाँ नहीं। तभी मंदिर का पुराना दरवाजा टूटकर बाहर की ओर आ गिरा। ठहर जा, भागता कहाँ है। धाड़। बाप रे, राक्षस और उसकी स्त्री के भाग जाने के उपरांत कालू ने उन दोनों गधों की ओर देखा तो चौंक पड़ा। अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई बड़े भैया, हमें बचा लो कालू, बगीचे के फल खाने से ही हम गधे बन गए हैं। हे भगवान, क्या जीवन भर हमें इसी तरह रहना होगा। तभी अमीर आदमी आगे बढ़ा, ये जादुई फलों का बाग है मित्रों, इन्हें खाकर आदमी की यही दशा हो जाती है, लगता है तुम तीनों भाई हो, कुछ भी हो, आज तुम लोगों की वजह से मेरी जान बच पाई है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस मुसीबत से मुक्ति दिलाता हूँ, आओ सोचो मत। अमीर आदमी तीनों को लेकर नदी किनारे पहुँचा, इस नदी में स्नान करने से तुम्हें फिर से अपना रूप प्राप्त हो जाएगा। नदी में स्नान करने से, फिर तो हम अभी स्नान करते हैं। राम बलराम ने तुरंत नदी में स्नान किया, तुझे फिर से अपना रूप मिल गया है बलराम, बड़े भैया तुम्हें भी। उस पर बैठी नीली चिड़िया कह रही थी, भोले लड़के, मुझे काली घाटी के महल से छुड़ाना, अपने भाइयों से सावधान रहना। तभी अमीर आदमी ने उन्हें साथ चलने की दावत दी, तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, मैं तुम्हें राजा के पास काम दिलाऊंगा, राजा के पास मेरी बहुत पहुँच है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वाह, कालू ने रुंड मुंड की माला फिर से देवता के गले में पहना दी और अपने कपड़े पहन लिए। अरे जल्दी से आ कालू, देर हो रही है,
भैरव बाबा, मुझे क्षमा करना, आपकी कृपया हुई तो आपके गले में सोने का तोड़ा चढ़ाने आऊंगा। पर ये काली घाटी का महल कहाँ है बाबा, और ये नीली चिड़िया कौन है? दोनों भाइयों के शोर मचाने से कालू को भैरव बाबा का उत्तर नहीं मिल सका, अतः वो मन मार कर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जल्दी करो, सांझ होने से पहले हमें शहर पहुंच जाना चाहिए। अब तो हम तो आपसे भी तेज चल सकते हैं। नीली चिड़िया कौन है? रात होते ही अमीर आदमी अपने शानदार मकान पर पहुंचा तो उसे जीवित देखकर सभी खुश हो उठे। अरे मालिक, आप तो जीवित लौट आए, क्या आपने उस राक्षस को मार डाला? हाँ, इनकी वजह से मेरी जान बच गई है, पर राक्षस नहीं मारा गया है, वो भाग गया है। काली घाटी का महल कहाँ है? अमीर आदमी राम और बलराम को लेकर भीतर चला गया। कालो उनके पीछे जाने लगा तो नौकरों ने उसे रोका। अबे ओ कालिए, तू कहाँ जाता है? नौकरों को मालिकों के पीछे नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं तो उनका भाई हूँ। हाँ, मालूम है मेरे को। मालिक लोग अगर तेरे को भाई की तरह रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उनके सिर पर ही चढ़कर बैठ जाए। चल, तुम मेरे साथ चल। लेकिन भीतर अमीरों ने दोनों भाइयों को अनेक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन कराया। वो आपका तीसरा भाई कहाँ रह गया? बड़ा अच्छा स्वांग करता है वो हमारा भाई नहीं, नौकर है। बचपन से बापू ने उसे पाला है, हमारे साथ ही पलकर बड़ा हुआ है। दूसरी ओर कालो नौकर को दिया जाने वाला खाना खाकर ही संतुष्ट था। एक रोटी और लो भाई, भूखे मत रहना। बस भाई, आज तुम्हारे नमक का बोझ मुझ पर चढ़ गया। ओह, समझा। तभी तो मैं सोचता था कि उसका रंग रूप आप दोनों के रंग रूप से मेल क्यों नहीं खाता। आपने ठीक सोचा। दूसरे दिन अमीर आदमी राम बलराम को साथ लेकर राजा से मिला। आओ धनपति, तुम राक्षस के घर से वापस जीवित वापस आके? सुनकर आश्चर्य हुआ। मुझे पूरी कहानी बताओ। महाराज, मैं तो इन दो महान वीरों के कारण ही बच पाया हूँ। ये राम, ये बलराम, इन्होंने ही मुझे बचाया है। धनपति ने असली बात छुपाकर उनकी झूठी बड़ाई करते हुए राजा को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, हम अपने राज्य में आप जैसे वीरों का स्वागत करते हैं। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप हमारे अतिथि होंगे। महाराज, हम तो आपके सेवक हैं, ऐसे राक्षसों को तो हम चुटकियों में मसल डालते हैं। बलराम ने सेखी बखारी। राजा ने दोनों को ऊंचा पद देकर अपनी सेना में रख लिया। एक दिन, राम बलराम, हमें तुम्हारी बहादुरी पर पूरा भरोसा है, लेकिन लेकिन क्या महाराज, आप हुक्म कीजिए, हम अपनी जान पर खेल कर भी आपका हुक्म बचा लाएंगे। हमें तुमसे यही आशा थी, लेकिन हम सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डालें या नहीं। महाराज, आप हुक्म तो कीजिए, हम खतरों से नहीं डरते। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।